आप देख रहे हैं TNB। इंडिगो के दिल्ली गोवा फ्लाइट 62175 में सवार यात्री द्वारा पायलट को मुक्का मारने के मामले में एयरलाइन कंपनी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। एयरलाइन सूत्रों की माने तो यात्री को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए DGCA से सिफारिश की जा सकती है। इंडिगो ने घटना के संबंध में एक इंटरनल कमेटी का गठन किया है। नो फ्लाई लिस्ट में अगर किसी यात्री का नाम आता है तो इसका मतलब होता है कि उसे अनुचित व्यवहार का दोषी मानते हुए एक निर्धारित समय अवधि के लिए भीतर के उड़ान के लिए और प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी वह यात्रा नो फ्लाई लिस्ट से अपना नाम हटने देश के भीतर किसी भी एयरलाइन से हवाई यात्रा नहीं कर सकता। यात्री ने इंडिगो फ्लाइट के पायलट के साथ उस समय मारपीट की जब वो देरी के संबंध में घोषणा कर रहा था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना रविवार की बताई जा रही है। दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 62175 कोहरे के कारण करीब 12 घंटे लेट हो गई थी। यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है। इंडिगो ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। वायरल वीडियो में फ्लाइट अटेंडेंट को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। घटना के बाद यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। दिल्ली गोवा इंडिगो फ्लाइट के कैप्टन अनूप कुमार की शिकायत पर मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। फ्लाइट ट्रैकर वेबसाइट फ्लाइट ट्रेडर 24 के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार को खराब मौसम के कारण 110 उड़ानों में देरी हुई और 79 उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं दिल्ली हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले कई उड़ानों को व्यवधान का सामना करना पड़ा। कुछ उड़ानें 7 से 8 घंटे से अधिक लेट रही। इसके पीछे का मुख्य कारण उत्तर भारत में घना कोहरा और खराब मौसम रहा। इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइन ने अपनी यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है कि उत्तर भारत में खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स आगे भी प्रभावित रह सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी संदेश में कहा कि वे यात्रा से पहले अपनी अपनी एयरलाइन कंपनियों से फ्लाइट संबंधी अपडेट लेते रहें। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।